व्यूअर्स पकोड़े गोल्डन हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेंगे, बिल्कुल रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डिलीशियस फूड पी के में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है पालक के पकोड़े। व्यूअर्स, एक कप हमने बेसन लिया है, अब हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, चाट मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या उससे ज़ायका, अजवाइन 1/4 टीस्पून, मीठा सोडा 1 चुटकी, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, सब्ज़ धनिया चॉप 2 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्च चॉप 2 अदद, प्याज बारीक कटी हुई, छोटी साइज़ की हमने ली है प्याज। तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। पालक 1 कप, पालक को हमने काटने के बाद अच्छी तरह 2 मरतबा धो लिया था ताकि इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। पालक ऐड करेंगे, पालक डालकर अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बैटर ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। पकौड़ों का बैटर रेडी हो चुका है, अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। प्योर्स, ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़े बनाएंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर एकदम जलने शुरू हो जाएंगे पकोड़े और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पर से फ्राई करना है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। व्यूअर्स, पकौड़े गोल्डन हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेंगे, बिल्कुल रेडी हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर आया, बहुत ही क्रिस्पी बने। इसी तरह तमाम पकौड़े हम बना लेंगे। व्यूअर्स, पालक के क्रिस्पी पकोड़े रेडी हो चुके हैं, हमने इन्हें डिश आउट कर दिया है, बहुत टेस्टी बने हैं। आप इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।